गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सैल प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन क्या करेंगे, टेस्ट पेपर जो हमने लिया था संडे को, उसका आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वापस एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके आपको वापस बताऊंगा। तो लेते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो पेपर था वो था प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। कौन सी वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, ठीक है, इन एक नंबर है 87,605, ठीक है। हमें जीरो की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो जीरो की क्या होती है, हमेशा जीरो अगर टेंस है, जीरो की प्लेस कौन सी है, टेंस है, तो ये टेंस हो गया। जीरो टेंस कितना होता है, जीरो टेंस जीरो ही होता है। क्या होता है, जीरो टेंस जीरो, यानी कितने टेन है, जीरो टेन है, जीरो टेन तो जीरो ही होगा। तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका पहले का आंसर क्या होगा, जहां पे जीरो है वहां उसको टिक करना है। तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो, चाहे वो कौन से भी प्लेस पे हो। अब है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फाइव, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज ठीक है। तो हमें कौन सा लिखना है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ी संख्या, वो भी कितने डिजिट की, फाइव डिजिट की। तो फाइव डिजिट का देखो, डिजिट सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, नाइन, और देखो क्या वो फाइव डिजिट का है क्या, 1 2 3 4 5, तो ये क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, नाइन, और तो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू भी यही होगी। और कितने डिजिट की, फाइव डिजिट की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 99,999। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसके बाद में लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में है, फिल इन द ब्लैंक्स 5 6 5 6 3 2 9 को कंपेयर करना है 5 6 5 6 9 3 2। अब यहां कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं, 1 10 100 10,000, तो देखो 56,000 इसके पास भी है, 56,000 यहां देखो 300 है, वहां 900 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, ये 9 बड़ी है और 3 क्या है, छोटी वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू के लिए हमारे पास में देखो फर्स्ट प्लेस पे कैसा नंबर है, स्मॉलर, स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर इसलिए कौन सा आते हैं, लेस देन, ठीक है, ये लेस देन। अब यहां देखो 85,000 यहां 84,000 है, तो ये 85 ग्रेटर वैल्यू है,
और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो हमें चाहिए फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे कैसी वैल्यू, ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर के लिए ग्रेटर आता है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ, कौन सा क्वेश्चन फोर्थ है अपना, सॉल्व एडिशन है इसमें से 2 9 2 9 4 2 5 6 0 1। देखो 6 और 2 कितने होते हैं 8, 5 और 4 होते हैं 9। आपको बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन करनी है इसको, या तो फिंगर पे काउंट करना है या माइंड में ही। 9 में 0 प्लस करेंगे, इसका मतलब कोई भी प्लस नहीं कर रहे हैं, तो 9 और 0 9, 2 और 1 होता है 3। फिर है अपने पास में सेकंड 6 0 6 0 7 5 3 1, फाइव और सिक्स होते हैं 11, फाइव और सिक्स कितने होते हैं 11, ठीक है। 11 का जो वन है और वन हम कैरी लगाएंगे, 7 और 4 भी कितने होते हैं 11 और वन कैरी हो गया 12, 12 का 2 वन मोर कैरी, और वन होते हैं 2, 6 और 3 होते हैं 9, ठीक है। इन दोनों एडिशन, एक तो थी विदाउट कैरी और ये कैरी, कैरी वाली कैसे पता चलता है, जिसमें सम दो डिजिट को जोड़ने पे क्या आता हो, 9 से बड़ा नंबर आता हो। तो ये जो है इसके बाद में दो सब्ट्रैक्शन है, अब देखो जीरो में से टू सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, इस जीरो को बोरो लेना पड़ेगा, इस जीरो को बोरो लेना पड़ेगा। तो जीरो पहले इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं है, फिर इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे मांगेगा, ठीक है। तो ये फाइव ने क्या करा, इसको दिया, इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसने इसको दे दिया, इसको भी जरूरत नहीं थी, इसने इसको दे दिया। अब टेन यहां हो गए और बाकी जगह यहां क्या हो गया, नाइन नाइन, यहाँ पे भी एक कम हो गया, उसने दे दिया उसको, तो लास्ट वाला डिजिट एक कम हो जाता है और सारे जीरो बन जाते हैं 9, और लास्ट वाला जीरो क्या बन जाता है 10। तो देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। ये सब्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है, इसको आप वापस देखना एक बार। 8 5 2 1 7 3 7 2। देखो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 क्या लेगा, इससे एक बोरो लेगा, तो 1 क्या बन जाएगा 11, और ये 1 भी क्या बन जाएगा 1, तो 11 में से 2 गया 9, यहां 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 भी क्या लेगा, इससे बोरो लेगा, तो 11, 11 में से 7 गया बचा 4, यहां बच गया इसके पास में 4, 4 में से 3 गया 1, 8 में 7 गया 1। ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम ले रहे हैं फिफ्थ,
द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पहले लिखते हैं, ग्रेटेस्ट 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 फोर डिजिट का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है, नाइन, ठीक है। और नाइन हम कैसे लिखते थे, ये नाइन है। अब कितने डिजिट का, फोर डिजिट का, तो फोर टाइम नाइन, अब है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिखना है हमें, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है छोटा, तो ये होता है ये हमारे पास में हो गया थाउजेंड, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो नाइन और जीरो, नाइन नाइन और जीरो, नाइन नाइन प्लस जीरो, अगेन नाइन, नाइन प्लस वन, टेन, और टेन ये टेन, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्या करना था, ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना था फोर डिजिट का, और एक स्मॉलेस्ट फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास में सिक्स्थ। तो आपको जो हिंदी वाले डिजिट हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखना है, उनके जैसे बुक्स में बनाए गए उसी तरह आपको बनाना है। देखो टू ये होता है फाइव, ये है सिक्स, और ये जो हमारे पास में ये एट है, ठीक है। एट ऐसे भी लिखते हैं, ये जो आर जैसा है इसको फोर, ये होता है फाइव, और ये है थ्री, और ये है फोर, ये मेरे पास में एट और फोर कितने होते हैं, एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व का देखो टू और वन कैरी, सिक्स और फाइव होते हैं इलेवन और वन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू और वन कैरी, देखो थ्री, फाइव और थ्री एट और वन नाइन, नाइन कैसे लिखते हैं, ये नाइन, ठीक है। और फोर और टू सिक्स, सिक्स कैसे लिखते थे आप, इसमें थ्री है, थ्री का उल्टा कर दो तो वो सिक्स बन जाएगा, टू थ्री फाइव फाइव सेवन, यहां है हमारे पास पे सेवन, और सेवन में एक वन प्लस करेंगे तो एट, एट हम ये है एट ऐसे लिखते हैं, फिर ये फाइव, और ये देखो थ्री का रिवर्स उल्टा है तो ये है सिक्स है, तो फाइव और सिक्स कितने होते हैं इलेवन, इलेवन का वन और वन कैरी, ये एट और थ्री हो गए इलेवन और वन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू और वन कैरी, फोर और टू सिक्स, और सेवन, सेवन हम कैसे लिखते थे, तो ये है देवनागरी स्क्रिप्ट के जो डिजिट है इसको ऐसे लिखा जाता है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, थर्ड है
में 3, 5, 6, 2 इसमें प्लस करना है 2, 4, 8 सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो 2 क्या ऐसे बोरो लेगा तो 2 क्या बन जाएगा 12 क्या बन जाएगा 12 12 में से 6 गए कितना बचा 6 यहां बच गए अपने पास में 5 में से 8 ले जाता तो 5 भी एक बोरो लेगा हो गया 15 में से 8 गया बचा 7 यहां बच गया 4 में से 4 गया 0 3 में से 2 गया 1 डिजिट हमें देवनागरी स्क्रिप्ट वाले लिखने हैं ठीक है ये इसका है 12 ये इसका और यहां 4 अब 4th है हमारे पास में 4 ये 9 के लिए वन मोर है एक डिजिट और है इसको 9 ऐसे भी लिखा जाता है और ये 8 फिर ये 3 0 तो वैसे ही लिखा जाता है और ये वापस 8 ये जो है 6 की तरह उल्टा है वो 7 होता है देखो 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 6 क्या लेगा बोरो लेगा इससे तो 6 क्या बन जाएगा 16 में से 7 गया तो बचा 9 आपको ऐसा लिखना है फिर यहां देखो 8 था 8 कब क्या हो गया 7 हो गया 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो 7 भी क्या लेगा बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 17 में से 8 गया 9 और यहां बच जाएगा 8 8 में से 0 गया तो वापस 8 4 में से 3 गया तो 1 तो अपना पेपर जो है पूरा कंप्लीट होता है ये सारे 6 क्वेश्चन मैंने पूरे आपको एक्सप्लेन कर दिए अब आपको क्या करना है बिना देखे वापस इस पेपर को सॉल्व करना है वापस इस पेपर को बिना देखे सॉल्व करना है किसमें फेयर नोटबुक में करना है HW में ठीक है तो इसी के साथ अपनी क्लास फिनिश होती है कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बाय बाय